इंदौर क्राइम ब्रांच और तिलकनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी के दो पहिया वाहनों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 15 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग सस्ते दामों में वाहनों को बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरी को लेकर अभी पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके लिए सभी स्तर पर अभी काम किया जा रहा है और अभी हाल में एक जॉइंट कार्रवाई हुई है जिसमें जो तिलक नगर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है और इसमें तीन आरोपियों को पकड़ा गया है। ये तीनों आरोपी बड़ंगा क्षेत्र के सांवे रोड है वहाँ के रहने वाले हैं। इसमें एक दिनेश है, कल्याण और कालू और विक्की है। इसमें से जो तीनों आरोपियों से भी लगभग एक दर्जन से अधिक लगभग 15 वाहन जब्त हुए हैं। उन्होंने कुछ और वाहन कबूले हैं। फिलहाल जो 15 वाहन जब्त हुए उसमें से 6 जो है मतलब वाहन इसके थाना तिलकनगर के हैं। इसके अलावा कुछ वाहन कराड़िया एरिया के भी हैं, इसके लसूरिया के और अन्य थाना क्षेत्रों के भी वाहन इसमें जब्त हुए हैं। अभी तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें जो आरोपी मुख्य आरोपी जो दिनेश है वो पूर्व में भी वाहन चोरी में गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा जो कल्याण और कालू इसके ऊपर हत्या जैसा पुराना रिकॉर्ड भी है। तो जो तीनों ही क्रिमिनल्स हैं, तो तीनों आरोपी हैं, तीनों के मतलब अल्तन अपराधी हैं और ये नशे की लत या अन्य खर्चे के लिए ये वाहन चोरी करते थे। अभी पुलिस इस मामले में और पूछताछ करके अन्य वाहनों की जो बरामदगी है उसका प्रयास कर रही है। लगभग जो 15 वाहन है 10 लाख से भी अधिक के वाहन इसमें रिकवर हुए हैं और जिसमें से केवल अकेले जो थाना तिलकनगर उसके 6 वाहन।